देखिए अभी बहुत छठ महापर्व हुआ है यहाँ पर झील पर, और छठ महापर्व भी जो घाट है हमारा बलसवा झील का घाट, ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा यहाँ पर गैदरिंग इकट्ठा होती है। पूजा हुई, लोगों की आस्था थी, यहाँ पर आए बहुत 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 लोग आए, 5-7 लोग, 10 लोग, 10 लाख के आसपास लोग यहाँ पर आए थे। तो उसके बाद में आपको बहुत नेचुरली है कि यहाँ पर गंदगी होगी, तो साथ में झील की सफाई के लिए भी साथ में यहाँ पर से लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, उनके वो भी ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पर साफ सफाई अभियान चला है। हमारे इंस्पेक्टर साहब वेदपाल जी और हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है सुबह से, सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, और इस इलाके को पूरी तरह से जैसे पहले क्लीन था उस तरह से हमें आज ही हम पूरा कागज दे देंगे। क्या आपने छठ पर्व से पहले भी इसकी सफाई कराई थी? देखिए छठ पर्व से पहले हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से 5-7 दिन 10 दिन हमारी टीम यहाँ पर हमारी टीम ने काम किया है। आज से पहले ये होता था कि ये जो भलसवा झील है ये 4-5 वार्डों के बीच में थी, तो आप पहले आरोप प्रत्यारोप लगते थे ये आपके क्षेत्र में आता है, ये आपके क्षेत्र में आता है, लेकिन इस बार मैं दावे से कह सकता हूँ पूरी सफाई जिम्मा हम लोगों ने उठाया है। बलसवा वार्ड जो हमारी वार्ड 18 झांगीपुरी की सफाई की टीम है, इसने पूरा साफ सफाई का जिम्मा उठाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने समय समय पर निरीक्षण किया, और यहाँ पर मैंने खुद जनता से फीडबैक लिया, जनता यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था से बहुत खुश थी, और पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था हुई है। केजरीवाल जी की तरफ से इस बार हमें स्पष्ट निर्देश था कि हर छठ घाट पर जाना है हमारे को, और हर छठ घाट पर जाकर बारीकी से निरीक्षण करना है, कहीं कोई सफाई में कमी है, कहीं पर कोई मेडिकल सुविधा में है, कहीं पर कोई टॉयलेट की समस्या है, तो उसका समाधान भी हमने मौके पर ही करा है, हमने ये नहीं कि उसको टाला है, हमने उसी मौके पर समाधान किया है। आज हम लोग छठ पर्व के बाद भी झील पर खड़े, तो मतलब हम अब केजरीवाल जी का जो विजन है उसको हम साकार करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं।